हरदोई में डीएम से समस्याओं की शिकायत करने जा रहे स्कूली बच्चों पर खाकी की बर्बरता बरसी। समझाने से ना मानने पर पुलिस ने थाने के सामने रोककर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। उन्हें सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान एक दर्जन बच्चे जख्मी हो गए हैं। घटना के विरोध में बच्चों ने डीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर हाईवे जाम कर दिया। राजकीय आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय चटिया धनवार शाहबाद में 490 छात्र पढ़ते हैं। अव्यवस्थाओं से आजिज 150 बच्चे स्कूल से पैदल ही डीएम से मिलने निकल पड़े तो स्कूल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। प्रधानाचार्य सुशील दत्त ने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। एसडीएम शाहबाद, एसएसपी त्रिगुण विशेन और सीओ हरपालपुर बेटा गोकुल में बच्चों से मिलने पहुंचे। थाने के सामने उन्हें पुलिस ने रोक लिया। एसडीएम से बातचीत के बाद भी बच्चे नहीं माने और डीएम से मिलने की जिद करने लगे। इस पर पुलिस ने थाने का गेट बंद कर दिया। बच्चे गेट खोलकर भागे तो पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। छात्र नितेश, रमन, सरोज, शिवम ने बताया कि 3 महीने से घटिया खाना मिल रहा है, बैग व किताबें नहीं दी जा रही हैं, दैनिक प्रयोग की चीजें भी कम दी जा रही हैं, एक कमरे में 12 बच्चों को रखा जाता है। इन्हीं सब शिकायतों को लेकर डीएम के पास जा रहे थे। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने लाठीचार्ज से इनकार करते हुए स्कूली बच्चों पर ही अराजकता करने का आरोप लगाया। डीएम ने विद्यालय में अव्यवस्थाओं की जांच के लिए कमेटी बनाकर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। चटिया धनवार में जो से जो बच्चे डीएम से मिलने अपनी मांग लेकर आ रहे थे, उन बच्चों पर बेटा गोकुल पुलिस द्वारा जो निर्मम लाठीचार्ज किया गया, बर्बर लाठीचार्ज किया गया उन मासूम बच्चों को, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, हम लोग धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग है पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है और खेदजनक है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मासूम छोटे छोटे बच्चों पर लाठियों का तोहफा बार करके उन्हें तोहफा दिया गया है। क्या यही रामराज्य है? अब लवकुश को फांसी दी जाएगी क्या इस रामराज्य में? हम इसके विरोध में बैठे हैं। हमारे स्कूल में स्कूल से पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो कभी भी समय से नहीं आती हैं। पहले बैठा करते थे, अब कोई भी चीज़ समय से नहीं मिलती है। क्या कॉपी, क्या किताबें, क्या पेन, तेल, साबुन, हर एक चीज़ जो है वो समय से नहीं आती है। हम लोगों को ड्रेस तक आज नहीं मिले, 6 महीना होने जा रहा है, आज तक ड्रेस नहीं मिलती है, जो कि सबसे ज़रूरी होती है स्कूल में। यूनिफॉर्म के सिवा उसका क्या कोई पढ़ाई का कोई रीज़न नहीं होता है, यूनिफॉर्म ही नहीं मिली है। उसके बाद हम लोगों को हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है विद्यालय में। बिजली के तार सब ऐसे ही नंगे पड़े हुए हैं, वहाँ पर बच्चों को करंट लगने का भी डर रहता है। गैलरी में वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, बाथरूम इतने गंदे हैं कि कुछ कहने का नहीं, वहाँ से बदबू आती है, बच्चे वहाँ जाते नहीं हैं। और पूरे विद्यालय में 2 नल हैं, 2 नल के सिवा कुछ भी नहीं है। आज क्या कर लोगों ने? आज हम लोग वहाँ से पैदल ही वहाँ से आने का डीएम सर से मिलने के लिए, हम लोग अपनी बात पहुंचाने के लिए। वहां पर बीच में पुलिस बेटा गोकुल की पुलिस ने हम लोगों को प्रताड़ित किया, हम लोगों पर लाठीचार्ज की और वहां से भगाने की। कहां जा रहे तुम लोग? अब हम लोग हरदोई सीधा जाएंगे डीएम सर के पास। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय से आए हैं। कहां से आए हैं आप? राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय चटिया धनबाद शाहबाद हरदोई, वहाँ जो हमारे विद्यालय में आपूर्ति हो रही है, इस कारण हम डीएम सर के पास अपनी समस्याएं जो रखने जा रहे हैं जिनका समाधान किया जा सके। रास्ते में क्या? और रास्ते में जब हम लोग आ रहे थे तो हम पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। बेटा गोकुल स्थान पे हम लोग को जेल में बंद करके मतलब मारा गया। वहाँ पे कई बच्चों के सजी कपड़े फाड़ दिए गए, डंडे चढ़ा गया। और राजीव राणा सर थे और महिला टीचर भी, वो महिला भी थी जो जिन्होंने लाठीचार्ज किया। हम लोग बच्चों के थप्पड़ ही मारे, सभी बच्चों, कई बच्चों को सजी मारा गया यहाँ पे। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।